मित्रों जैसे बहुत स्वागत है आपका हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में। और आजकल वीडियो बनाने में काफी दिन हो जाते हैं, बहुत लिमिटेड वीडियो दे पा रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपके सामने आया हूँ इसलिए कि आज मैं आपसे ग्रहण के ऊपर बात करना चाहता हूँ। आज यानी 25 तारीख को, 25 अक्टूबर आज ग्रहण लग रहा है मित्रों सूर्य भगवान के ऊपर। तो आज हम लोग मुख्यतः तीन बातों पर बात करेंगे। ग्रहण का समय तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ग्रहण में करना क्या है, आपको अपने घर के मंदिर को या अगर आपके पास मंदिर है उसको बंद कर दीजिए, मंदिर के कपाट बंद कर दीजिए। और क्यों मंदिर के कपाट बंद कर दीजिए, क्यों भोजन ना करिए, क्यों मौन धारण कीजिए, आज इस पे बात करते हैं। बहुत जल्दी से आज के वीडियो को समाप्त करते हैं मित्रों। सबसे पहले तो भगवान को ग्रहण लगना, साइंटिफिक कारण आप लोग सब जानते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा का आ जाना। लेकिन हमारे यहाँ यह मान्यता है कि सूर्य को ग्रहण राहु से लगता है। मित्रों आज 4:22 में ग्रहण का स्पर्श हो जाएगा, 5:29 में ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा। यह मैं लखनऊ की टाइमिंग बता रहा हूँ, 4:22 में स्पर्श है और 5:29 में मोक्ष है। लेकिन मुख्यतः भारत के अधिकांश जगहों पे 4:22 से लेके 5:37 तक ग्रहण का स्पर्श और मोक्ष है। तो आपको जो ग्रहण का स्नान करना है वह प्रथम 4:22 में करना है, इसको कहते हैं ग्रहण का स्पर्श का स्नान। मध्य मित्रों आप 5 स्पर्श स्नान कीजिए ग्रहण के मध्य का, और ग्रहण के मोक्ष का जो स्नान आपको करना है यह 5:37 पे करना है। तो इससे क्या है कि आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं ग्रहण के मोक्ष का स्नान का फल आपको मिलेगा। दूसरी बात कि ग्रहण के मोक्ष के उपरांत स्नान करने के बाद आपको दान करना है, और यह दान उन लोगों के लिए होगा जिनको कोई भी चीज सुलभता से प्राप्त नहीं है। भंगी को दान करिए, यह जाति सूचक शब्द नहीं है, लेकिन कामगारों को दान करिए, भंगियों को दान करिए, आप दरिद्र नारायण को दान किए, इसका आपको लाभ मिलेगा। मित्रों मंदिर का कपाट बिल्कुल ही ग्रहण ऐसे तो सूतक के समय से ही बंद कर दीजिए, लेकिन अगर सूतक के समय आप नहीं कर रहे हैं तो ग्रहण के समय, ग्रहण के स्पर्श से लेकर मोक्ष तक मंदिर के कपाट बिल्कुल बंद कर दीजिए। ऐसा इसलिए मित्रों कि हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि दैवीय शक्तियों का आधिपत्य लगभग खत्म हो जाता है और आसुरी शक्तियों का प्रकोप धरती पे बढ़ जाता है। तो इस समय आपके मंदिर को क्षति हो सकती है, आपके मंदिर में रखे प्रतिमाओं को क्षति हो सकती है, अतः बंद कर दीजिए। दूसरा, आप हो सके तो मौन धारण कीजिए, पूजा पाठ बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जो भी आप पूजा पाठ करेंगे इससे आसुरी शक्तियों की पुष्टि होगी। सिर्फ मन में जप करिए, अगर आप कुछ भी हनुमान चालीसा सुंदरकांड कुछ भी पढ़ रहे हैं मन में पढ़िए ताकि इसका लाभ आपको मिले, इसका बहुत फल है। ग्रहण काल में जप करिए, जो भी मंत्र आपको आता है, आपका कोई गुरु मंत्र है उसका जप करिए, इसका बहुत लाभ आपको मिलेगा, कई गुना जप के फल बढ़ के मिलेंगे आपको। तो मित्रों यह ग्रहण पे आपको इतना काम करना है, मंदिर के कपाट बंद कर देने हैं। जब आपको मोक्ष हो जाता है, जब मोक्ष का स्नान कर लें तो अपने घर की प्रतिमाओं को बहुत अच्छे से धुलकर साफ कर लें और पुनः स्थापित करें। इससे आपको बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, आपके मंदिर में बहुत सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, इसका बहुत ही पुण्य फल आपको मिलेगा। तो मित्रों समय बहुत कम है, जो मैंने बताया है इसको आत्मसात करिए और आज ग्रहण के स्पर्श से मोक्ष तक यह काम करिए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत लाभदायक होगा। जय श्री राम।